बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की, क्योंकि मुफ्त की राजनीति को लेकर आज एक नया घमासान देश भर में छिड़ गया, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन कर, इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर मुफ्त वाली राजनीति को आड़े हाथों लिया। लेकिन केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी देर पहले और इस पर जवाब भी दिया। केजरीवाल ने कहा कि मैं स्कूल में बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहा हूं, मुफ्त में इलाज मुहैया करा रहा हूं, तो इसमें गलत क्या है? आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की वर्षक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं? आज अगर हमने इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अच्छा कर दिया, अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में दे रहा हूं, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं? आज हम लोग देश की नींव रख रहे हैं, ये रेवड़ी नहीं है, ये देश की नींव के में एक एक ईंट रख रहे हैं हम लोग। तो देखा आपने मुफ्त वाली पॉलिटिक्स पर किस तरीके से वार और पलटवार आज हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कहते हुए कि किस तरीके से राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो मुफ्त की राजनीति कर रही हैं, लेकिन ऐसे में वो किस तरह देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं, ये बड़ा आरोप लगाते हुए हमला बोला। जिस पर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आप जानते हैं कि वो दिल्ली से जो उन्होंने शुरुआत की थी वो अब कई दूसरे राज्यों में भी, चाहे पंजाब हो या फिर गुजरात में, लगातार वो जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए और वहां पर भी इस तरह की बात लगातार कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी तरफ से जवाब आज दिया गया और पूछा गया उल्टा सरकार से, यानी कि बीजेपी से, कि आप बताइए कि अगर मैं मुफ्त में लोगों को दे रहा हूं, चाहे वो शिक्षा हो या फिर वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, तो इसमें गलत क्या है? दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता आप देख रहे हैं जफर इस्लाम साहब हमारे साथ हैं और साथ ही रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले जफर इस्लाम, मैं आपका ही रुख कर लेती हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने फ्री की पॉलिटिक्स का जिक्र किया, जवाब खुद अरविंद केजरीवाल ने सामने आकर दिया और पूछा उन्होंने कहा कि मुझे बताइए, उन्होंने तो लोगों से भी पूछा और आपसे भी पूछा है कि अगर मैं लोगों को सुविधाएं दे रहा हूं मुफ्त में, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, जो उन्होंने कल्चर शुरू किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस कल्चर की बात की जो आज पॉलिटिक्स में कोई उनका नाम लेके नहीं, लेकिन जो कल्चर चालू हुआ है, इस कल्चर में सिर्फ यही है कि झूठे वायदे करना, इलेक्शन से पहले इतने सारे रेवड़ियां बांटने के वायदे कर देना, रेवड़ियां बांटने का कल्चर जो है, फ्री बीज जिसको बोलते हैं, फ्री बीज जो है वो बांटने का कल्चर शुरू कर दिया है। और ये कल्चर शुरू हुआ है केजरीवाल जी के आने से। आपको किस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी के हमारे किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि आप एजुकेशन में दीजिए, लेकिन उसका ढिंडोरा पीटना और गलत तरीके से लोगों को और चीज़ बांटना और इलेक्शन में वादे करना और फिर नहीं बांटना, उस चीज़ पे हम बार बार कह रहे थे कि उस पर लोगों का ध्यान दिलाना चाहते थे कि देखिए, लोग आके आपको झूठे वायदे करते हैं। दिल्ली के लिए क्या क्या वायदे किए, आई पंजाब में क्या वायदे किए, वो आप सबको पता है। लेकिन जीतने के फौरन बाद वेरी फर्स्ट डे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं किया। कैथरी कैबिनेट मीटिंग हो गई, कुछ नहीं किया। हकीकत तो यह है कि ये कल्चर जाना चाहिए, इसलिए कि जितना ज़्यादा इस तरह के झूठे वायदे होंगे उससे उतना ज़्यादा लोगों को गुमराह करने वाली काम होगा। लोगों को, एक आम नागरिक को कोई इससे फ़ायदा नहीं है।
लेकिन केजरीवाल जी खुद अपने बारे में क्या बोला था कि मैं कोई अच्छी गाड़ी में इसी गाड़ी में चलूंगा, छोटी सी गाड़ी में मफलर बांध के चलते। आज देखिए सारी चीज़ें उनके लिए है, आज वो सारी चीज़ बातें जो 2013 में कहते थे वो भूल गए खुद, जिसके बारे में उन्होंने आज तक इतना कुछ कहा था कि दिल्ली में पूरे हर जगह वाईफाई हो जाएगा, कहाँ हो गया भाई वाईफाई बता दीजिए, कहाँ वाईफाई हो गए? आपने जो 72 वायदे किए थे जरा आप आज उसमें से खुद से देख लीजिए कि 72 वायदे पूरे किए, तो उसी का तरफ इशारा करते हुए कह रहे थे कि जो भी पार्टियां इस तरह के जो गलत वायदे करती हैं लोगों को लुभाने के लिए वो गलत है, ये गलत है, इसलिए कि लुभाना जो है गलत है, सच्चाई के साथ जो लोग आते हैं। रीना गुप्ता, शिरीन जी देखिए सारी सरकारें टैक्स देती हैं और सारी सरकारें टैक्स का खर्चा जनता के लिए खर्ची हैं, तो कोई ये कहे फ्री भी, ये एक तरीके से आप जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं, जनता का ही पैसा है जो आप जनता पे खर्च कर रहे हैं। आज की तारीख में दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी की सरकार सिर्फ एक ऐसी सरकार है जो ईमानदारी से टैक्स के पैसे को खर्च करती है। यही कारण है जब हम दिल्ली में चुन के आए थे दिल्ली का बजट 35-40 हजार करोड़ होता था, आज की तारीख में दिल्ली का बजट 70 हजार करोड़ है। दूसरी बात आप देखिए कि अभी सीएजी ने रिपोर्ट दी है कि पूरे देश में सिर्फ एक दिल्ली सरकार है जो मुनाफे में चल रही है, क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार ईमानदारी से खर्चा करती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ढिंडोरा पीटती है गुजरात मॉडल का। आज की तारीख में गुजरात सरकार के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, 3 लाख करोड़ का कर्जा। ABP News आपको रखे आगे।